हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको क्राफ्ट में पीकॉक बनाना सिखाने वाली हूँ। और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? क्राफ्ट पेपर, सीजर, स्केच पेन और डेकोरेटिव मटेरियल। आपके घर पे जो भी मटेरियल है उसका हम उसमें यूज़ करने वाले हैं। और उसके लिए क्राफ्ट पेपर नहीं तो न्यूज़पेपर से भी आप बना सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर से करोगे तो उसमें ज़्यादा डेकोरेशन करना पड़ेगा। तो किस तरह से बनाना है वो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम जो पीकॉक बनाने वाले हैं उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। एक स्क्वायर शेप का क्राफ्ट पेपर चाहिए, फेविस्टिक या फेविक ग्लू कुछ भी, कोई भी चलेगा। और ये जो मैंने शेप कट करके रखे हैं, और सीजर और पेंसिल। आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपका जो पेपर है उसमें सेंटर में से इस तरह से पूरा फोल्ड नहीं करना है, ये दोनों साइज़ यहाँ पर आपको ऐसे परफेक्ट लाइन मिला के फिर यहाँ पे पॉइंट बना देना है। फिर इसको खोल देना है इस तरह से। और ये जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है उसमें से फर्स्ट पार्ट में हम फिर से इस तरह से लाइन बना देंगे। ये आपको फोल्ड करना है ऐसे। तो ये वाला जो पार्ट है फोल्ड वाला, यहाँ पे हम पीकॉक का फेस बनाएंगे। और ये लाइन बनाने के बाद इस तरह से हम फिर से फोल्ड करेंगे सेंटर में से दोनों लाइन मिला के इस तरह से आपको फोल्ड करना है। और ये वापस खोल देना है। ये हमने किस लिए बनाया, क्योंकि हम पीकॉक का जो फेस बनाने वाले हैं वो ये लाइन के ऊपर होना चाहिए, इसलिए। अब यहाँ पे हम पीकॉक का फेस बनाने वाले हैं तो इस तरह से ये अभी मैं एकदम लाइट बना रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ बाद में। इस तरह से पीकॉक का फेस ड्रॉ करना है हमें। देखो, मैं आपको स्केच पेन से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, तो आपको ये वीडियो में दिखाई देगा, पेंसिल से दिखाई नहीं देगा इसलिए। तो ऐसे आपको पीकॉक का जो आगे का फेस है बस इतना ही आपको ड्रॉ करना है। और इसको हमें सीजर से ये वाला पार्ट कट करना है। ये वाला पार्ट हमें कट नहीं करना है, खाली ये जो दो लाइन दिखती है वहाँ से हमें ये फेस कट करना है ऐसे। एकदम धीरे धीरे आपको करते जाना है, क्योंकि ये पेपर यहाँ से फटे नहीं, उसका आपको पूरा ध्यान रखना है इस तरह से। और यहाँ से तो इस तरह से पीकॉक का फेस हमें कट करना है। बाद में क्या करना है आपको, ये दो कॉर्नर जो आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ से आपको आप जो पंखा बनाते हो ना, तो अप एंड डाउन करके पीछे आगे पीछे फोल्ड करते हो, इस तरह से आपको ऐसे फोल्ड करते जाना है। ये पूरी लाइन यहाँ तक आपको फोल्ड करनी है इस तरह से। और ये आपको ध्यान रखना है कि सेम साइज़ में आनी चाहिए, ज़्यादा छोटी बड़ी साइज़ में नहीं होना चाहिए। आप जब फोल्ड करते हो तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है इस तरह से।
देखो इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, हमने जो सेंटर वाला पॉइंट लिया था ना, वो सेंटर से हमको यहाँ पे ऐसे इस तरह से ये दोनों मिला देने हैं। इस तरह से, और फिर ये जो पार्ट है वो हम स्टिक कर देंगे फेविस्टिक या फेविकॉल से। इस तरह से ये जो बीच में गैप थी वो हमें यहाँ पे स्टिक कर देना है। तो ये पीकॉक के जो फेदर है वो पूरे आपको यहाँ पे ऐसे आप करोगे तो ये थोड़ा अच्छे से फैलेगा। तो इस तरह से पीकॉक करने के बाद जो मैंने ये शेप कट करके रखे थे ना, वो शेप कैसे कट करना है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। आप ऐसे क्राफ्ट पेपर की पट्टी बना के फिर एक बार फोल्ड किया, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम ऐसे फोल्ड करना है। और जो हमारा ये वाला पार्ट है, मतलब बंद पार्ट है, खुला पार्ट की तरफ हमें कट नहीं करना है, इस पार्ट की तरफ हमें जो ये लीफ वाला सेफ है वो हम ऐसे कट कर देंगे। तो हमें एक साथ में बहुत सारे लीव्स के शेप मिल जाएंगे इस तरह से। और पीकॉक की जो कलगी होती है वो ट्रायंगल शेप कट करके फिर मैंने यहाँ पे ऐसे कट किया है, ऊपर की तरफ ऐसे कट किया है, वो हम यहाँ पे लगाएंगे ऐसे। और आईज़ में अगर आपके पास गूगली आईज़ है तो वो भी लगा सकते हो, वो नहीं है तो क्राफ्ट पेपर से आप स्टिक कर सकते हो। और ये जो मैंने शेप कट किए थे लीव्स वाले वो हम यहाँ पे ऐसे लगाते जाएंगे। आप चाहो तो पूरे में लगा सकते हो, नहीं तो एक एक पार्ट छोड़ के भी लगा सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे मैंने जो ग्रीन कलर लिया है तो अगर आप चाहो तो दूसरे कलर का लिप्स भी कट करके लगा सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। आईज में आप अगर ऐसे ब्लू कलर, ब्लैक कलर कोई भी शेप कट करके फिर यहाँ पे ऐसे स्टिक कर सकते हो। इस तरह से आपको ये पीकॉक का अच्छा सा क्राफ्ट कंप्लीट करना है। इसमें आपको जितना भी डेकोरेटिव इसको बनाना है उतना बना सकते हो। थैंक यू।